उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव, यूपी में किसकी बनेगी सरकार, कौन से होंगे मुद्दे, किसके सर सजेगा जीत का ताज। खबर हमीरपुर के मोदहा से है, जहां आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सघन वाहन चेकिंग अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने बड़े वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ से चोरी कर लाए गए 8 ट्रैक्टर और 1 दर्जन मोटरसाइकिल सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से कोतवाली पुलिस द्वारा हमीरपुर महोबा जनपद की सीमा पर स्थित गहबरा बैरियर पर की जा रही सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान मिली जानकारी के आधार पर सूचना मिली कि रीवन गांव के आसपास कुछ लोगों ने दूसरे राज्यों से वाहन चोरी कर छिपाने का काम किया है और उक्त लोग उन चोरी के वाहनों को बेचने की फिराक में हैं। कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर छापेमारी कर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रीवन स्थित मातृ शिशु परिवार कल्याण उपकेंद्र के पास सुनसान स्थान पर 7 संदिग्ध व्यक्ति दिखे, जिनको दबिश देकर इन 7 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। देखिए, ये थाना प्रभारी जो मौदा हैं, ये चुनाव जो आगामी चुनाव है उसके दृष्टिगत ये अपने चेकिंग में थे, उनकी पूरी टीम चेकिंग में थी, तभी इनको सूचना प्राप्त हुई कि जो गांव रीवन है वहाँ पे मातृ शिशु कल्याण केंद्र है, उपकेंद्र है, वहाँ पर जो है कुछ लोग एकत्र हैं और वो वाहन चोरी के धंधे से जुड़े हुए हैं और ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है। इस पर उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ जो है छापा मारा और उसमें 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें जो 7 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनसे जो है 8 ट्रैक्टर जो विभिन्न कंपनियों के हैं और 12 मोटरसाइकिल जो हैं बरामद की गई हैं और ये गैंग जो है अपनी घटनाओं का अंजाम जो है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में देता था, उत्तर प्रदेश में भी ये सक्रिय था। बहुत सारी जो चोरी की गाड़ियां हैं वो ट्रेस हो गई हैं और बाकी गाड़ियां जो है ट्रेस की जा रही हैं कि वो कहां से चोरी की गई थी और उनका किन थानों पर मुकदमा जो है पंजीकृत किया गया है। और ये ऐसा लगता है कि इस तरह के वाहन चोरी के वाहन इन्होंने इकट्ठे किए थे और इसके जो धन का जो अर्जन करते और उसको चुनाव को भी प्रभावित करने की आशंका लगती है कि उसका भी ये प्रयोग कर सकते थे। सर, इन वाहनों में कुछ धन भी प्राप्त हुआ क्या? इनसे जो हम लोगों ने इनकी जो जामा तलाशी ली गई तो इनके जो प्रयोग में जो पैसे थोड़े बहुत जो 100-200 रुपए या किसी के पास अपना पान गुटखा वगैरह बरामद हुआ, कोई बड़ी धनराशि इनसे बरामद नहीं हुई या कोई असला इनसे बरामद नहीं हुआ है, लेकिन इनसे जो वाहन जो बरामद हुए हैं, जो ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल हैं, वो चोरी के हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।